न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थाई समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मनसा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थाई प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने का।